हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कूट लेखन कूट वाचन परीक्षण कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट जो कि हिंदी में है पार्ट टू बताऊंगा। कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इस चैप्टर को पूरा समझने के लिए इसे अंत तक देखते रहे और हमारे चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूले, जो कि बिल्कुल ही निःशुल्क है। तो चलो चलते हैं, हम वीडियो देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के 8 प्रकार होते हैं जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आता है अक्षर कोडिंग, दूसरे नंबर पर आता है संख्या कोडिंग, तीसरे नंबर पर आता है शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग, चौथे नंबर पर मिश्रित कोडिंग, पांचवें प्रति कोडिंग, छठे पुण्य क्रम व्यवस्था कोडिंग, सातवें शर्त अनुसार कोडिंग, आठवें अक्षरों के आंकिक मान। कोडिंग डिकोडिंग प्रकार 4 मिश्रित कोडिंग। तो हम इसको समझने के लिए एक प्रश्न लेते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में बी टिन कू का अर्थ हाउ आर यू तथा बी टिन से का अर्थ वेयर आर यू, तो वेयर का कोड क्या होगा? तो सबसे पहले प्रश्न को सोल्व करने के लिए हमें ये देखेंगे कि इसमें पूछ क्या रखा है जो हमें निकालना है। तो इसमें वेयर पूछ रखा है कि इसका कोड क्या होगा। तो इसे सोल्व करने के लिए हम पहले सांकेतिक भाषा में लिखेंगे ऐसे बी टिन को, और इसी इसकी दूसरी तरफ जिस दूसरी तरफ जो अर्थ दिया हुआ है वो लिखेंगे। कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट प्रकार 4 मिश्रित कोडिंग। तो इसको समझने के लिए हम कुछ प्रश्न लेते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में बी टिन क्यू का अर्थ हाउ आर यू तथा बी टिन से का अर्थ वेयर आर यू, तो वेयर का कोड क्या होगा? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें पूछ क्या रखा है। तो इसमें वेयर जो कि हमें निकालना है का कोड क्या होगा, तो हमें वेयर निकालना है। तो बी टिन क्यू जो कि सांकेतिक भाषा, इसको हम एक साइड में लिख लेंगे और दूसरी साइड में हम इसका अर्थ लिखेंगे। दोनों को लिखने के बाद अब हम इनमें कॉमन देखेंगे, आर भी कॉमन है यू भी कॉमन इन दोनों में। तो इनकी सांकेतिक भाषा बी भी हो सकती है टीन भी हो सकती है, लेकिन हमें इनसे कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है वेयर से। तो हाउ हाउ, तो ये जो जो कॉमन होते हैं ये इनके लिए है। हाउ यानी सीधा सा अर्थ है कि हाउ का क्यों होगा, क्योंकि ये तो कॉमन के लिए है, तो वेयर वेयर का से होगा। तो आंसर है वेयर के लिए से। तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में रिम फू ली का अर्थ सी इज गुड, टिम टिन ली का अर्थ ही इज बैड तथा टिम से रिम का अर्थ गुड एंड बैड, वो तो इज और बैड का कोड क्या होगा? तो दोस्तों हमें इस प्रश्न में इज और बैड निकालना है। तो उसी प्रकार हम सांकेतिक भाषा इस साइड में लिख लेंगे और इसका अर्थ इस साइड में लिख लेंगे। अब हमें इज निकालना है। तो इज पहले दोनों में दिया गया है, तो हम इसमें कॉमन देख लेंगे कि क्या है कॉमन, मतलब जो दोनों में हो। तो इज इन दोनों में है, तो इन दोनों में कौन सा एक ऐसा वर्ड है जो दोनों में है? तो इसमें ली है, ली एक ऐसा वर्ड है जो दोनों में है। तो इज के लिए क्या कोड होगा? ली। अब हम बैड के लिए देखेंगे, जो नीचे दोनों वालों में बैड दिया हुआ है, तो हम नीचे दोनों में ही देखेंगे क्योंकि बैड ऊपर वाले में नहीं है। तो बैड के लिए अब हम इनमें दोनों में देखेंगे कि क्या कॉमन वर्ड है। तो टीम ही एक ऐसा वर्ड है जो दोनों में है, तो बैड के लिए टीम। इस प्रकार हम आसानी से किसी प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं मात्र ही कुछ सेकंड में, वो भी बड़ी आसानी से। तो दोस्तों पहले प्रश्न को अच्छी तरह पढ़ लें, फिर उसको सोल्व करें और लगातार अभ्यास से अपने टाइम को कम करते जाएं। थैंक्स।